Hello everyone, how are you? I hope all are doing well and your study is going very smoothly. हाँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो वेलकम बैक। हम लोग इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, क्लास 11 की इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। ठीक है, हमने चैप्टर 2 तक ख़त्म कर लिया था, अभी चैप्टर 3 है। हम लोग शुरू करते हैं अभी। तो चैप्टर 2 में हम लोगों को बेसिकली देखना है कि जैसे कि जहाँ पर हमने छोड़ा था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में देखना है। और अगर सिंपली कहें तो रिफॉर्म होने के बाद, प्लानिंग कमीशन आने के बाद किस तरह से हम लोगों आगे बढ़े और अपना इकोनॉमी किस तरह से बढ़ा, जीडीपी कैसे हाई हुआ, और इस सब के बारे में हम थोड़ा बेहतर ढंग से जानेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें अभी, तो ये हम लोगों ने शुरू किया थर्ड चैप्टर। तो थर्ड चैप्टर में सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन देखें, इसमें क्या है, तो इंट्रोडक्शन में हम लोग ये देखेंगे। इंट्रोडक्शन मतलब ये चैप्टर में आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं बेहतर तरीके से। इससे पहले हम थोड़ा सा मैं रिवाइंड करता हूँ, रिकैप लेता हूँ पिछले हमने क्या पढ़ा था। फर्स्ट चैप्टर में हमने ये देखा था किस तरह से कॉलोनाइज्ड के टाइम, ब्रिटिशर्स के टाइम, हम लोगों का जो इंडस्ट्री था, जो इकोनॉमी था, वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था ड्यू टू द कॉलोनाइज्ड इरेगुलरिटीज और माल हैंडलिंग ऑफ आवर इकोनॉमी। जैसे कि हर सेक्टर में कोई ना कोई दिक्कत होती है। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर कम्प्लीटली सेटल्ड था ड्यू टू द कमर्शियलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज कुछ हो नहीं रहा था। ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि एक ही 85 to 90% लोग हमारे एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे, और ब्रिटिशर्स ने, कॉलोनाइज्ड गवर्नमेंट ने पूरी एग्रीकल्चर को एक तरह से खत्म कर दिया बाय इंट्रोड्यूसिंग कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर। ठीक है, तो जबरदस्ती उन लोग करना पड़ता था। उस समय जो लैंड सेटलमेंट लॉ था वो काफी खराब था, इंटरमीडिएटरीज थे जिसमें उनको टैरिफ देना पड़ता था, कर देना पड़ता था, वो एक प्रॉब्लम थी। फिर उसके बाद आया कि जब वो खत्म हुआ, जब वहां से हम आगे आए, जब इंडिपेंडेंट हुए हम 15 अगस्त 1947 के बाद, फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, रिफॉर्म करेंगे। और उस समय बाद कई रिफॉर्म्स हुए, जैसे लैंड रिफॉर्म हुआ, ठीक है, तो उसमें फिस्कल रिफॉर्म हुआ, फिर उसमें प्लानिंग बना, प्लानिंग कमीशन बना, 5 ईयर प्लानिंग कमीशन आया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि ग्रोथ तो हो रहा है बट उसको थोड़ा सा और लेवरेज देना है। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज करके हमने मार्केट सरप्लस लिया, हमारा बेसिक नीड खत्म किया, ग्रोथ किया, सेल्फ सफिशियंट बने हम लोग। ठीक है, इक्वालिटी पे काम किया, सब कुछ किया। अब हम बात करेंगे किस तरह से इसको हम और बड़े लेवल पे लेके जाएं, इस चैप्टर में हम वो बात करेंगे। ठीक है, सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया इज फॉलोड बाय, हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी हमने अडॉप्ट किया था। आपको पता ही है इकोनॉमी 3 तरह का होता है, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक और मिक्स्ड। तो कैपिटलिस्ट का मतलब आपको पता है एवरीथिंग इज ओन्ड बाय प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेट पर्सन। सोशलिस्टिक का मतलब है कि एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, एंड मिक्स्ड का मतलब पता है बोथ। ठीक है, कंबाइनिंग बोथ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट। ठीक है, इन दोनों को मिला के हमने ये एडॉप्ट किया है। अदर स्टेट्स इंडिया स्टार्टेड डेवलपमेंट पाथ फ्रॉम द नियर स्टैग्नेशन। उस समय देखा था ग्रोथ एक लिमिट पर रुक गया था क्योंकि मॉडर्नाइजेशन नहीं हो रहा था। ठीक है, चीजों को मॉडर्नाइज करने की जरूरत थी, डाइवर्सिफाई करने की जरूरत थी। मतलब हम लोग सिर्फ एक ही इंडस्ट्री में रह गए थे, स्टैग्नेंट हो गए थे, दैट इज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। हमको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी देखना था, हमको बाकी चीजें भी देखनी थी। ठीक है, फिर सेकेंड चैप्टर हमने देखा कि हमने वो थोड़ा सा ग्रोथ किया, उसमें डाइवर्सिफाई किया इंडस्ट्रियल सेक्टर को। ठीक है, हमारे प्रोड्यूस किया, हमने गुड्स और सर्विसेज को इंक्रीज किया, एक्सपेंशन किया। ठीक है, उसके बाद फिर हमने 1991 में हमने कई सारे हम 1991 में रुक गए थे आके। उसके बाद क्या हुआ आफ्टर 1991, जब जब हमने देखा कि हमारे जो पॉलिसीज बने हुए हैं, ठीक है, वो हमें स्टैग्नेंट कर रहा है, ग्रोथ से रोक रहा है। तो 1991 के बाद एक और रिफॉर्म्स हुए, जो हुए वो हम इस चैप्टर में
देखेंगे, ठीक है। इन 1991 इंडिया मेट विद द इकोनॉमिक क्राइसिस रिलेटिंग टू इट्स एक्सटर्नल डेब्ट एंड डेब्ट द गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू रीपे इट्स बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स व्हिच जनरली मेंट टू इंपोर्ट द पेट्रोलियम अदर आइटम। देखिए क्या हुआ, हमारे जो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कई सारे स्टेप्स लेने के बाद, कई सारे प्लानिंग करने के बाद भी हम कहीं ना कहीं आके रुक रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे हमारी गवर्नमेंट इतना सब कुछ करने के बाद भी कैसे कर्जे में चला गया, ठीक है। एक्सटर्नल डेट मतलब बाहर से लाया हुआ कर्जा कैसे हो गया। देखिए जब इनकमिंग इज लेस एंड एक्सपेंडिचर इज हाई देन डेब्ट में जाएगा, चाहे कोई इंसान हो या कोई देश हो, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं आगे क्या हो रहा है। थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लेंगे आगे बढ़ने से पहले, ठीक है। इस चैप्टर में तो और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड लेंगे हुआ क्या, ठीक है। तो ये जो फाइनल क्राइसिस है ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है। फाइनेंशियल क्राइसिस जो है ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे हुआ। देखिए 1980s में जब हम लोग कर रहे थे प्लानिंग कमीशन, उस समय एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ना कुछ कोई ना कहीं एक इनसफिशियंसी रह गया था। इनसफिशियंट मैनेजमेंट लीड्स टू इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। उस समय फाइनल क्राइसिस को और ले गया वो, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई लूपहोल रह गया, ठीक है। जिसके कारण देखिए हर चीज 100% नहीं होता, कोशिश किया जाता है करने के लिए, बट कहीं ना कहीं लूपहोल रह गया जिसके कारण हमारा जो इकोनॉमी है वो क्राइसिस पे आ गया। क्राइसिस का मतलब है डेब्ट बहुत ज्यादा हो गया, कर्जे बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है। गवर्नमेंट को पैसे कहाँ से मिलते हैं, टैक्स से मिलते हैं, ठीक है। पब्लिक सेक्टर जो रन करती है, जैसे कि आपको मान लीजिए एनटीपीसी है, आईओसीएल है, ये सब गवर्नमेंट एंटिटीज है, बीएसएनएल है, वहां से वो इनकम करती है, यहाँ से गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। बट शायद वो उतना सफिशियंट पैसा उसको नहीं मिला, उतना सफिशियंटली मैनेज नहीं हो पाया, जिसके कारण हमें बाहर से डेब्ट लेने पड़े, ठीक है। ये ऐसा क्यों है, गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, उसके जो सेक्टर्स हैं, जो इंडस्ट्री चलती है गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज, वहां से उसको पैसे आते हैं, फिर भी कमी क्यों पड़ी। कमी इसीलिए पड़ी क्योंकि अगर आपका इनकम एक्स है और आप एक्सपेंड करते हैं 2x, तो सिंपल सी बात है आप जो बाकी जो 1x है वो कहीं से लाएंगे जरूरत पूरा करने के लिए, इसीलिए ये बढ़ गया। When expenditure is high than income, then government borrows finance deficit from bank and other from people within the country from international financial institution. तो पैसा देता कौन है? जब भी किसी इंसान को पैसे की कमी होती है, इंसान की बात कर रहे हैं, पर्सन को, तो वो दो जगह से लाता है, या तो बैंक से लाएगा लोन या फिर किसी से बोरो करेगा उधारी, ठीक है। तो इसी तरह से किसी भी देश के पास, कंट्री के पास तीन जगह होती है पैसे लेने के। सबसे पहले होता है कि लोगों से बोरो कर ले, ठीक है, कि आप पैसे रखिए कुछ साल में लीजिए स्कीम निकाल के। दूसरा चीज है आप किसी बैंक से ले लीजिए लोन, ठीक है। तीसरा चीज है वो फॉरेन एंटिटी। फॉरेन एंटिटी मतलब क्या है, विदेशों में कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि आप अभी के लिए मैंने वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, IBRD है। तो इस तरह से काफी जगह है जहां से देश को, किसी भी देश को डेवलपमेंट करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। आगे चल के हम वो भी देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा, हमने देखा कि हमारा जो क्राइसिस आया इसी कारण आया, ठीक है। अब हम बात करते हैं आवर फॉरेन एक्सचेंज स्पेंड मार्केट कंजप्शन नीड्स, ठीक है। जो पैसे आते थे जब फॉरेन से इंस्टीट्यूट से पैसे आए डेब्ट में, कर्जा हम लोगों ने लिया, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में या किसी में हम लोग खर्चा नहीं करते थे, वो हमारे नीड में चले जाते थे, ठीक है। जो और वो जो डेब्ट का डेब्ट पड़ा रहा, अभी उसको कहीं इन्वेस्ट किए होते, कहीं इंस्टीट्यूशन में, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में, वहां से कुछ पैसा निकलता, फिर उसको आप डेब्ट रीपे करते, बट ऐसा नहीं हो रहा था। हम लोग उसको बेसिक नीड्स में ही डाल देते थे, तो वो उसमें से कोई अर्निंग नहीं होती थी, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, इंपोर्ट बढ़ा दिया। पहले पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि वहां पर जो है एक स्टेबलाइज क्वांटिटी में हम लोग रेस्ट्रिक्शन लगाए थे, इंपोर्ट नहीं करेंगे, बट अभी हम देखेंगे इंपोर्ट किस तरह से ज्यादा हो गया। अभी आगे हम देखेंगे, बैकग्राउंड हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, अभी शुरू नहीं हुआ कहानी इस चैप्टर का, ठीक है। अभी बैकग्राउंड में चल रहा है, हम लोग क्या क्या देखेंगे।
ठीक है। फिर उसके बाद हम देखा ड्यू टू सिचुएशन इन इंडिया, देखिए इंडिया इतना डेप्थ, देखिए एक तो इंडिया में ना इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी ठप हो चुका है, तो हर चीज स्टैग्नेंसी पे आ गया। तो कोई लोन देगा किसी इंसान को, जब कोई लोन देता है तो वो पूछता है ना आप करते क्या हो, क्यों पूछता है, तो इसीलिए पूछता है कि वो देखना चाहता है कि ये लोन तो मैं उसको दे दूं बट वो रीपे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसके पास रीपे की कैपेसिटी है कि नहीं है। इसीलिए इंडिया की हालत इतनी खराब थी कि वो सबको ऐसा लगता था कि वो रीपे कर ही नहीं सकता, तो सबने हाथ ले भाई हम पैसे नहीं, इंडिया को पैसे नहीं देंगे, ना इसके पास एग्रीकल्चर है ना इंडस्ट्री है ना कुछ है, तो ये रीपे कैसे करेगा, तो इसको लोन मत दो। ठीक है, तो जैसे तैसे करके इंडिया ने अपने पॉलिसीज में कुछ चेंज किया और फिर इनको यकीन दिलाया कि हाँ आप हमें पैसा दीजिए और हम आपको पैसे लौटा देंगे। तो इंडिया ने WB मतलब वर्ल्ड बैंक से और IR इंटरनेशनल रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो बैंक है वहां से 7 मिलियन डॉलर का फंड उठाया। ठीक है, और फंड उठाया ऐसा नहीं दे दिया कि भाई ले जाओ, उन्होंने कुछ कंडीशंस रखे। ठीक है, कुछ कंडीशंस रखे, क्या कंडीशंस रखा कि देखिए आप ना रिस्ट्रिक्शन जो है मार्केट पे आपने लगाया है अपने मार्केट में कि हम किसी से इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम एक्सपोर्ट कम करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर में वो किसी बाहरी का दखलंदाजी नहीं लेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अब इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों हटाना पड़ेगा, इन्होंने क्यों कहा वो आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि चैप्टर का ही नाम है लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो ये बैकग्राउंड में पता चला किस तरह से हम लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन की ओर जा रहे हैं। ठीक है, WB मतलब वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे खुला बोला कि आप कर्जा तो लीजिए, आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं कि आप प्रीपे कर दें, ठीक है, तो आपको ना अपने कंडीशंस हटाना पड़ेंगे कि भाई मार्केट में कोई इंपोर्ट नहीं करेगा, वो हटाओ, हम जाएंगे आपके मार्केट में बेचेंगे। ठीक है, और फिर आप इंडस्ट्री में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा उसको हटाओ, आप इंडस्ट्री को जो है दूसरों को इन्वेस्ट करने के लिए दीजिए। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम आगे चल के डिटेल में देखेंगे। तो इंडिया मान गया है, ठीक है हम लोग वो करेंगे, इंडिया एग्री टू WB। ठीक है, और यहां से एक नया इकोनॉमिक पॉलिसी शुरू हुआ, जब मान गया इंडिया, अब उसको अब ऐसा तो नहीं ना खोल दिया भाई कोई भी आ जाओ मार्केट में कुछ भी बेच दो, ऐसा तो नहीं है ना, प्लानिंग करके प्रॉपर प्लानिंग करके इंडिया को अपने पॉलिसीज बनाने पड़ेंगे कि भाई इतना बेच सकते हो इतना नहीं बेच सकते, सब कुछ ध्यान में रखकर बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं WB वर्ल्ड बैंक ने बोला कि आप अपने मार्केट को खोलो, भाई मैं हमने खोल दिया 24 घंटा, कोई भी आके कुछ भी बेचे जा रहा है कुछ भी कर रहा है, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसके लिए प्रॉपर पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि भाई इतना मार्केट में आएगा इतना जाएगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो हम लोग अभी काम करना शुरू कर दिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पे, जो पिछला इकोनॉमिक पॉलिसी था हमारा 5 ईयर प्लान वाला, उसके साथ ये अब ऐड होने वाला है। तो मुख्यतः क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो एक ग्रॉसली यहाँ पे बताया गया है, इंटरनेशनल ट्रेड पे जो रेस्ट्रिक्शंस थे वो हटाए गए। ठीक है, जैसे कि कोई बाहर से सामान लाके हमारे यहाँ नहीं बेच सकता था, वो हट गया कि आओ आप बेचो कोई दिक्कत नहीं है, कोई वो नहीं करना है, आप आके बेच सकते हो। ठीक है, एक है, दो पॉलिसीज बने यहाँ पे बेसिकली, ग्रॉसली दो पॉलिसीज बने, सबसे पहले वाला स्टेबिलाइजेशन मेजर और स्ट्रक्चरल मेजर। ये दोनों क्या होता है, स्टेबिलाइजर मेजर क्या होता है और स्ट्रक्चरल मेजर क्या होता है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या होता है। देखिए तो अभी यहाँ पे है कि स्टेबिलाइजेशन मेजर है ना, एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी है, एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी। इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या है, इंटेंडेड, इसका क्या इंटेंशन है, करेक्ट सम ऑफ द वीकनेस दैट हैव डेवलप्ड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड टू ब्रिंग इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। एक छोटा सा जुगाड़ लगा लो जिससे क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो ठीक हो जाएगा और जो इन्फ्लेशन मतलब महंगाई वो कंट्रोल में आ जाएगी। एक शॉर्ट टर्म मेजर होता है, मतलब एक जुगाड़ होता है कि नहीं। बट उसी तरह जगह पे अगर हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात करें, पूरी स्ट्रक्चर को ही बदल दो उस सिस्टम की, है ना। एक एग्जांपल से समझाता हूँ, अगर एक घड़ा है वो फट गया है कहीं से, यहाँ से क्रैक हो गया, अगर आपने यहीं पे सिर्फ थोड़ा सा एक्स्ट्रा गोंद वगैरह लेके इसको चिपका के किसी तरह से बंद कर दिया और फिर से पानी भर दिया, तो ये एक टेम्पररी
मैनेजमेंट था, इसको हम स्टेबिलाइजेशन मेजर कहेंगे। बट वहीं पे बोले कि ये हटाओ, इसको इसको पूरी तरह से, इस घड़े को जो है यहाँ से पूरी तरह से हटा दो, हम जो है ना एक नया घड़ा बनाएंगे यहाँ पे एक नया घड़ा बनाएंगे, उसको अपने हिसाब से डिजाइन करेंगे, अपना नया बनाएंगे, इसको कहेगा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। एम क्या है? इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमी एंड इंक्रीज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बाय रिमूविंग द रिजिडिटी इन वेरियस सेगमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इसका क्या मतलब है? जब WB ने बोला आप भैया अपना पॉलिसी चेंज वेंज करिए, हाँ इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ाइए, अपना धंधा पानी बढ़ाइए, ठीक है, तभी इकोनॉमी पटरी पे आएगी वरना नहीं आएगी। तो सबसे पहले स्टेबिलाइजेशन मेजर लेके कुछ इधर उधर करके उन्होंने कर लिया। लॉन्ग टर्म के लिए जब उन्होंने सोचा कि नहीं भैया देखो अब तो ऐसा नहीं हो सकता, अब पूरे स्ट्रक्चर में ही हमें बदलाव करनी पड़ेगी, तब बात आई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, पूरा स्ट्रक्चर को बदलना है। ठीक है, क्यों बदलना है? सबसे पहले तो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, बाहर के जो कंपनीज यहाँ पे बिजनेस करना चाहती है उसको मार्केट में लाओ। पहले दूसरे चैप्टर में हमने देखा था इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को कम करना था, क्योंकि हमारे जो इंडिजीनियस प्रोडक्ट है उसको बढ़ावा देना था, बट इसको अब आने देना है। क्यों आने देना है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, और रिजिडिटी इन द वेरियस सेगमेंट, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारा था कि बाहर से कोई अपने यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेगा, कोई पर्सनल प्राइवेट बंदा इन्वेस्ट नहीं करेगा, उस रिजिड हटाओ भाई। अगर बाहर से कुछ फंड मिल रहा है कि भाई हम आपके यहाँ पे इस इंडस्ट्री को बढ़ा देंगे, हमें कुछ लिवरेज दो, तो उसको अडेप्ट करो, है ना। तो अब जो है अलग अलग सेक्टर में, एग्रीकल्चर में ऐसा है कि वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट आना चाहता है, देना चाहता है कि हम यहाँ से जो है ना 1,000 टन यहाँ से गेहूं उठाएंगे, हम इन्वेस्ट करेंगे, पैसा देंगे, सब कुछ करेंगे, तो ले लो, दिक्कत क्या है। ठीक है, तो रिजिडिटीनेस को, जो रिजिडिटी था, जो स्टबर्डनेस था कि हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं, उसको हटाओ। ठीक है, तो स्ट्रक्चर रिफॉर्म में पूरा वो हट गया। ठीक है, द गवर्नमेंट इनिशिएटेड, अब हमारी जो पॉलिसी बनी, बेसिकली क्या पॉलिसी बनी, गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया नए नाम से, दैट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये इसके नीचे आ गया, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन। इसका लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? लिबरल होना। ठीक है, एक बेसिक बता रहा हूँ, आगे चल के हम इसको तो डिटेल में पढ़ेंगे ही। ठीक है, लिबरल होना का मतलब क्या है? लिबरल होने का क्या मतलब? ये यहाँ पे देखिए, न्यू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ गया ना हमारी, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ, वर्ल्ड बैंक IMF अनाउंस द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कंसिडरिंग वाइड रेंज इकोनॉमिक रिफॉर्म। ठीक है, बैलेंस ये सब करने के लिए। ठीक है, तो ये तीन पिलर, तीन जो टर्मिनोलॉजी लेके पूरे चैप्टर बेस्ड है। यहाँ पे एक बेसिकली एक छोटी सी अगर हिंट में मैं बताऊं, लिबरलाइजेशन का मतलब है लिबरल होना। लोग कहते हैं ना कि ये बंदा ना बड़ा लिबरल है, बड़ा लिबरल मतलब सहज। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन मतलब नाम ही समझ आ रहा है, निजीकरण करना। ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब विश्व स्तर में कुछ भी ले जाना। ठीक है, इन तीनों पे अब हम बात करेंगे, बेसिकली चैप्टर इसी पे है। पहले जो बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन में बताया, क्या बताया कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी और कैसे इसकी जरूरत पड़ी। ठीक है, लिंक में एक थ्रेट में अगर हम ले आए, सबसे पहले कॉलोनाइज एरा था हमारा, वहां पे खत्म हो चुका था इकोनॉमी, फिर दूसरा हमने प्लानिंग करके उसको ढंग से एक पटरी पे लाने की कोशिश की 5 ईयर प्लानिंग में, बट देखा बीच में ड्यू टू द मिसमैनेजमेंट, इनएफिशियंट मैनेजमेंट के कारण हमारी इकोनॉमी में एकदम क्राइसिस आ गया, जहां पे हमारे पैसे खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गए, हमें बाहर से कर्जा लेके अपना जरूरत पूरा करनी पड़ी। फिर हम WB के पास गए, WB ने बोला, वर्ल्ड बैंक ने बोला कर्जा तो हम देंगे बट आपको अपनी पॉलिसी में थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, अकड़ा जो अकड़ है ना उसको थोड़ा सा आप घटाओ, कुछ धंधा वंधा के बारे में सोचो तो फिर हम आपको पैसे देंगे, कि आपको पैसे लौटाने भी तो है ना, ऐसा नहीं कि पैसे लेके बैठ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर हमारे देश ने, हमारी इकोनॉमी जो है, उन्होंने कहा कि हाँ भाई ठीक है, हम अपना देखेंगे, थोड़ा सा आपको आश्वस्त करते हैं, आप पैसे दीजिए, हम अपने स्ट्रक्चर में रिफॉर्म करते हैं, तो स्ट्रक्चर रिफॉर्म हम करेंगे, कुछ करेंगे। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं करना है भाई, सीधी सी बात है, इंटरनेशनल मार्केट को एसेस करो, अपनी जो पॉलिसी आपने बने उसमें आपने थोड़ी सी कटौती करनी है, थोड़ी सी लिबरल, थोड़ा सहज होना है, और प्राइवेट जो लोग हैं उनको एंट्री करना, तो अपने सब कुछ पकड़ के मत बैठो, लोगों को सब कुछ पकड़ के बैठोगे तो खुद से कुछ नहीं कर पाओगे, बैठ जाओगे, तो उसको थोड़ा सा बांटो, काम बांटो, तो प्राइवेटाइजेशन करो। तो इस तरह से हमने तीन बड़ी मेजर रिफॉर्म्स की, जिसको हम कहते हैं LPG। ठीक
ठीक है, एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब हम इसी चीज को अच्छे से देखेंगे आगे चल के, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले बात आती है लिबरलाइजेशन की, सहजीकरण, ठीक है। क्या लिबरल होना है भाई यहाँ पे हमको, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शंस हटा दो, ठीक है, हर सेक्टर में जो आपने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं ना उसको हटा दो, ठीक है। लिबरलाइजेशन का मतलब यही है, ठीक है, खत्म करो जो 1980 से आपने जो रेस्ट्रिक्शन, इंडस्ट्रियल रेस्ट्रिक्शन सब कुछ लगा रखे थे उसको हटाओ, ठीक है। यहाँ पे बोलता है इंट्रोड्यूस्ड टू पुट एन एंड टू द रेस्ट्रिक्शन वेरियस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर से रेस्ट्रिक्शन हटाओ कि भाई वो जिसको चाहे जैसे चाहे जो करने करो, इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लो, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आप वहां से इन्वेस्टमेंट लो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है। तो वहां पे किसी को नहीं आना है, हम लाइसेंस नहीं देंगे, हमसे पूछ के करना है, सब हटाओ यहाँ से, ठीक है। इन 1980s देयर आर इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, फिस्कल पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, रिफॉर्म पॉलिसीज इनिशिएटेड इन 1991 है, ठीक है, 1991 वर नो मोर कॉम्प्रेहेंसिव, ठीक है। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है इसको हम थोड़ा सा अगर डिटेल देंगे, यहाँ पे देखो आपने लिखा होगा, ठीक है, एक्सपोर्ट पॉलिसी, एक्सपोर्ट पॉलिसी और इंपोर्ट पॉलिसी, इंपोर्ट पॉलिसी में क्या था, वह सब इनवर्ड था, ठीक है, हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम अपना बनाएंगे खुद करेंगे, ऐसा नहीं है। अब बाहर से इंपोर्ट लो तभी तो आपको सामान सस्ते में मिलेगा, और दूसरी चीज है आपको डेवलप करने का मौका मिलेगा कि भाई बाहर ऐसे कैसे सस्ते में बना रहे हैं, हम उससे देख के, उससे सीख के कुछ और डेवलप करें, कुछ और बनाएं, ठीक है। इंपोर्ट पॉलिसी में चेंज करो अपना, टेक्नोलॉजी बढ़ाओ, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करो, उसी में आप जो है वो बासवी या सकट में मत चलो, वहां पे स्टीम इंजन में, हाँ आप डेवलप करो, आप ईंधन लो, ठीक है, आप डेवलप करिए, इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाइए, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी का मतलब है लेंडिंग एंड एक्सपेंडिचर, उसमें आप डेवलप करिए, उसमें कुछ बात करिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लीजिए, आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को शुरू करिए, बाहर से पैसा लीजिए, बाहर से पैसा लेके बैठ मत जाइए, बाहर से पैसा लेके कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, कुछ डेवलप करिए, और पैसा उनको रिटर्न करिए, उनको प्रॉफिट दीजिए, तभी ना वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, वरना क्यों करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने ये शुरू किया, ये सब चीजें बोला है, ठीक है भाई, अब लाइसेंस में हम थोड़ा सा रियायती कर देंगे, इतना सख्ती नहीं करेंगे, ये नहीं वो सब चीज को अब कॉम्प्रेहेंसिवली उन्होंने रिड्यूस किया 1991 से, ठीक है। लिबरलाइजेशन इसी को कहते हैं, इजीली मिल जाएगा एसेस, सब कुछ टैक्स कम कर देंगे, इसको लिबरलाइजेशन कहा जाता है। डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या है, देर आर मेनी रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर तो समझ गए उसमें, ठीक है, किस तरह से काम करेगा कि भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ाओ, ठीक है, इनपुट लो, सिर्फ गन्ने में मत रुक जाओ, बाहर से कुछ चीजें लो, उसे सीखो, ठीक है, वो चीज है। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म हुआ, डीरेगुलेशन का मतलब क्या है, अब रेगुलेशन इतना ज्यादा हो जाता था, लोग इतना ज्यादा रेगुलेटरी नॉर्म्स रखते थे कि लोग नया इंडस्ट्री कोई आना ही नहीं चाहता था, ऐसे कि कोई गवर्नमेंट है वो बोल, उसकी इतने रेगुलेशंस हैं कि कहीं एक नई कंपनी वहां पे डाल ही नहीं सकता, लाइसेंस ही नहीं मिलेगा उसको सालों साल, तो वो क्यों करेगा। तो सबसे पहले तो बात आती है लाइसेंस की, इंडस्ट्रियल लाइसेंस एंड मैन्यू ऑपरेशंस। फिर अगर प्राइवेट सेक्टर नॉट अलाउड इन मैन्यू सेक्टर, कोई एक बंदा है, कोई एक प्राइवेट सेक्टर है, वो चाहेगा कि देखिए हम जो है नेचुरल रिसोर्स पे एक कंपनी बनाएंगे, और गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई नेचुरल रिसोर्स तो आप नहीं बना सकते, तो वो सिर्फ मेरे लिए ही है, गवर्नमेंट ही बनाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको कोई भी कंपनी, कोई भी इंसान अगर कुछ बनाना चाहते हैं उसको लिबरल है, वो जाके कुछ भी कर सकता है, किसी भी सेक्टर में काम कर सकता है विद द परमिशन, ठीक है। और वो परमिशन भी इतना हार्ड नहीं होना चाहिए कि उसको लाइसेंस ही नहीं मिल रहा है, परमिशन भी आप इजीली अवेलेबल कराओ, ठीक है, जो नॉर्म्स हैं वो आप वो अगर फुलफिल करते हैं उसको इजीली लाइसेंसिंग करो, ठीक है। और इन्होंने कुछ ऐसा रख रखा था कि कुछ सामान जो है ना सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले ही बनाएंगे, वो एकदम एकदम फिक्स था, ये सिर्फ यही बनाएगा, ऐसा क्या भाई, क्यों है ऐसा। अगर कोई दूसरा एक छोटा इंडस्ट्री है, कोई एक अपना प्रोडक्ट बना रहा है, कोई बड़ा इंडस्ट्री क्यों नहीं बनाएगा, कि दूसरा छोटा इंडस्ट्री क्यों नहीं बनाएगा, कि क्यों मीडियम इंडस्ट्री क्यों नहीं बनाएगा, वो रिस्ट्रिक्शन हटाओ, जिसको जो बनाना है वो बना सकता है विद ऑल ड्यू परमिशन, ठीक है। कंट्रोल ऑन प्राइसिंग, सारा प्राइस हम ही कंट्रोल करेंगे कि किसको कितना बेचना है, क्या करना है, वो इक्विटी वाली बात थी इसमें, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में सबको मिले, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो फैक्ट्री बना रहा है वो प्राइस डिसाइड करेगा या गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड करेगा, हाँ गवर्नमेंट ये कर सकती है कि मिनिमम प्राइस हर चीज की फिक्स कर सकती है, बट ऐसा नहीं है कि अभी अब देखिए कभी हर एक मार्केट में प्राइसिंग
परचेजिंग कैपेसिटी हर एक की अलग अलग है। कंपनी उस हिसाब से डिसाइड करेगी ना, मुझे कहाँ 100 रुपए का बेचना है, मुझे कहाँ 500 का बेचना है, वो कंट्रोल उसको दो। आप क्यों पकड़े हुए हो गवर्नमेंट को? ये लिबरल होना पड़ेगा कि भाई हाँ ठीक है, चलिए हम इसमें सहमत हैं, आप प्राइस कंट्रोल करिए, बट ये चीज ध्यान रखिए, अपनी अपनी बात रखिए कि ये चीज ध्यान रखिए कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, एक्सेट्रा, ठीक है, बट कंट्रोल छोड़े, ठीक है। आफ्टर रिफॉर्म 1991, जब ये 1991 में ये डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, ठीक है, जब आफ्टर रिफॉर्म 1991 ऑल रेस्ट्रिक्शन अबोलिश्ड एक्सेप्ट, ठीक है, तो सारे रेगुलेशन गवर्नमेंट ने इसको खत्म कर दिया कि ठीक है चलिए हम बात मानते हैं, हम सारे अपने जो रेगुलेशन है वो खत्म कर दें, अब बढ़िया से ग्रो करिए। बट हम कुछ चीजें रखेंगे, जैसे कि एक्साइज डिपार्टमेंट, एक्साइज में मतलब अल्कोहल, सिगरेट, दारू, नशा वाला चीज है वो हम नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे माल हैंडलिंग हो सकता है, ठीक है, उसने वो प्राइवेटाइज नहीं किया या फिर इतना लिबरल इसमें नहीं, इसमें कड़ा सख्त नियम लागू है, वो अच्छी होना भी चाहिए, ठीक है। फार्मा इंडस्ट्री, ठीक है, जो दवाई वाला इंडस्ट्री है, औषधि इंडस्ट्री है, उसको गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखा, केमिकल, ठीक है, उसको रखा, जिस हैजर्डस चीजें जो हैं जिससे क्षति हो सकती है लोगों को या फिर सोसाइटी को, उसको गवर्नमेंट ने अपने अंडर में रखा। एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी है, डिफेंस सिस्टम है, जिसमें होना भी चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या है, तो ये चीज हम समझ गए। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म की। ये बात हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर की कर दी, डीरेगुलेशन कर दिया उन्होंने, लिबरलाइजेशन के अंडर सबसे पहले इसने डीरेगुलेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। डीरेगुलेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में सारे भी जो सख्त नियम कानून है उसको हटा देना या फिर नॉर्मलाइज कर देना या फिर रिहाती कर देना, ये डीरेगुलेशन हो गया। अब सेकंड की बात हम करेंगे, फाइनेंशियल सेक्टर पर क्या बात है, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या आता है। फाइनेंशियल सेक्टर का मतलब ये है, फाइनली इंस्टीट्यूशंस क्या है, कॉमर्शियल बैंक हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया, स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, जैसे एनएससी और बीएससी, ठीक है, फिर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हो गया, ठीक है, इसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कहेंगे। देखिए इससे पहले क्या होता था, जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी हमारी नई इकोनॉमिक पॉलिसी में आई, उससे पहले ये होता था कि सब कुछ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही कंट्रोल करती थी, चाहे प्राइसिंग का हो, चाहे नोट बनाना हो, कितना नोट बनेंगे, क्या बनेंगे, कौन से नोट बनेंगे, जो भी डिसीजन होता था एक्स वाई जी, सब कुछ आरबीआई करता था, ठीक है। बट लिबरलाइजेशन के अंडर इसको थोड़ा सा रियायती कर दिया, यहाँ पे मैंने शॉर्ट नोट्स उसके निकाले हैं, इट इंक्लूड्स कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, जो मैंने बताया, ऑल दिस रेगुलेटेड बाय आरबीआई, सब कुछ आरबीआई, स्टॉक मार्केट को भी सेबी अब देखता है, बट उस समय वो भी आरबीआई देखता था, ठीक है। वन ऑफ द मेजर एम टू फाइनेंस रिफॉर्म रिड्यूस आरबीआई रेगुलेटिंग फाइनेंस, इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था, आरबीआई का इंटरफेरेंस थोड़ा कम करो भाई, सब कुछ एक बंदा कैसे कर लेगा, इसमें दो तरह का है, इसकी इंटरफेरेंस भी कम करना था और इस पे बर्डन भी कम करना था, ठीक है। और सेकंड है, मेन फाइनेंशियल सेक्टर शुड टेक ओन डिसीजन विदाउट आरबीआई। कोई एक सेक्टर है, कोई बैंक है, कोई बैंक है, सपोज एसबीआई को ले लो, एसबीआई एक बैंक है, उसको अपने ब्रांच खोलना है देश में हर कोने में, तो वो आरबीआई से क्यों पूछेगा कि भैया मुझे परमिशन दो, आरबीआई ने उसकी बैंक की परमिशन दे दी, अब वो 10 ब्रांच खोले, 25 ब्रांच खोले, इसकी ऑटोनॉमी तो उसको दे दो, वो कैसे खोलेगा, वो उसके लिए भी आरबीआई से पूछना पड़ेगा, तो हर चीज में आरबीआई को थोड़ी पूछेगा, वो तो ऑटोनॉमी दो कि भाई वो अपना काम खुद से कर सके विदाउट आस्किंग आरबीआई, वो चीज यहाँ पे की गई, ठीक है। नाउ प्राइवेट बैंक्स कैन एस्टेब्लिश, अब कोई बंदा है उसको सब कुछ फाइनेंस के बारे में समझता है, जैसे एचडीएफसी है, आईसीआईसी है, सारे प्राइवेट बैंक्स है, तो उसके कोई ना कोई फाउंडर होगा, तो अगर कोई इंसान है, कोई इंस्टीट्यूट है, वो अपना बैंक खोलना चाहता है, फाइनेंशियल सेक्टर में आना चाहता है, या फिर मिनी फाइनेंस सेक्टर खोलना चाहता है, इन्वेस्टमेंट बैंक खोलना चाहता है, या फिर कोई स्टॉक एक्सचेंज एक ब्रोकर बनना चाहता है फाइनेंशियल सेक्टर में, ठीक है, तो उसको भी आरबीआई कंट्रोल करेगा, ऐसा क्यों भाई, उसको ऑटोनोमी दो, वो कोई प्राइवेट खोल ही नहीं सकता, पहले ऐसा था प्राइवेट बैंक हो ही नहीं सकता, ऐसे क्यों नहीं हो सकता है, तो कोई भी इंसान बैंक खोल सकता है, उसके ब्रांचेस भी खोल सकते हैं, चाहे फॉरेन से आके कोई बैंक, हमारे यहाँ पे सिटी बैंक जैसा है, फॉरेन से आके कोई बैंक यहाँ पे ऐसे खोले, ठीक है खोलो, क्या दिक्कत है ना। तो इसको लिबरलाइज किया गया फाइनेंशियल सेक्टर को, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इंक्रीज 74%, ठीक है, आरबीआई से, बट हाँ इन सब के बाद इतना भी लिबरल मत कर दो, खुला तिजोरी मत छोड़ दो कि भाई कुछ भी हो जाए, अल्टीमेटली आरबीआई ने जो कस्टमर सेफगार्ड है उसको अपने कंट्रोल में रखा हुआ था, है अभी भी है, ठीक है। तो अब
इतना लिबरल हो गया कि बाहर से भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो भी इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट करने लगे, उन्होंने बैंक वगैरह भी खोलने लगे, ठीक है, इंडिया में। तो इस तरह से फाइनेंशियल सेक्टर भी रिफॉर्म हो गया। मतलब अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने अपना हाथ खोला कि भाई अब बाकी लोग भी आप काम कर सकते हो इस सेक्टर में, ठीक है। अब बात करेंगे हम टैक्स रिफॉर्म की, कर, ठीक है। टैक्स रिफॉर्म क्या क्या गया यहाँ पे हम देखेंगे। टैक्स रिफॉर्म आर कंसर्न विद द रिफॉर्म इन द गवर्नमेंट्स टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी। इसी को फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। फिस्कल पॉलिसी का मतलब यही होता है गवर्नमेंट टैक्स और लोगों का एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना, ठीक है। तो गवर्नमेंट हमसे दो टैक्स लेती थी, ठीक है, दो टैक्स लेती थी इनिशियली। एक डायरेक्ट टैक्स होता था और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता था। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है आपका इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स, मतलब आप जो इनकम करते हैं उसमें थोड़ा सा हिस्सा आप गवर्नमेंट को देंगे इनकम टैक्स। सेल्स मतलब आप कोई व्यापार किए उसमें मुनाफा हुआ उसमें थोड़ा सा टैक्स आप देंगे, है ना। यही दो टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स, जो आज भी है, ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स, टीडी टैक्स, वो सब कटता रहता है, ठीक है। उसके बाद एक होता है कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। तो कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब क्या होता है, वही है, तो रेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स विच वाज वेरी हाई, यानी तो रेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, कोई कंपनी है बड़ी सी कॉर्पोरेट बनाई है उसने, उसको काफी हेवी टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। तो उसके बाद एक इनडायरेक्ट टैक्स आता है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, कॉमोडिटीज में आप हमें बिस्किट खरीदते हैं उसमें थोड़ा सा लिखा था ना दिस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स इंक्लूडेड 5 रुपए, ठीक है। कोई भी कॉमोडिटी आपने गाड़ी खरीदा, ये खरीदा, वो जो भी है, तो वो उसमें एक छोटा सा टैक्स लगता था जो हमें दिखता नहीं डायरेक्ट, ठीक है। हमें लगता है हम तो 5 रुपए दे रहे हैं बट वो बिस्किट का दाम 3 रुपए है, उसमें 2 रुपए टैक्स है ना। तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है, वो हमें पता नहीं चलता बट उसमें टैक्स होता है, ठीक है। तो वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। बट 2016 में एक हमारा नॉर्म आया गया, शायद 101 अमेंडमेंट एक्ट था वो, जिसको हम लोग कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2016 में इसमें भी लिखा हुआ है, अमेंडमेंट नहीं लिखा है जितना मुझे मुझे शायद कंफर्म है 101 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जिसको, जहाँ पे 2016 में जिसमें जीएसटी एक्ट आई थी, है ना। थोड़ा सा चेक कर लीजिए कंफर्मेशन के लिए। तो इसमें क्या हुआ, 2017 में ये लागू किया गया, सारे इनडायरेक्ट टैक्स को हटा के एक ही स्लैब में ले लिया जीएसटी, कहते हैं ना आप जीएसटी लगता है ना। उसमें सब डिविजन है, कभी मैं जीएसटी बोलूँ हम लोग डिस्कस करेंगे तब उसमें मैं सी जीएसटी एस जीएसटी उसको बताऊंगा, ठीक है। एक जीएसटी लग गया, ये हो गया फिस्कल टैक्स। 1991 के बाद क्या हुआ, जो हेवी टैक्सेशन था वो कम हो गया, कॉर्पोरेट पे हुआ, प्रोफेशनल टैक्स हुआ, इनकम टैक्स, उसको सब कम किया गया, ठीक है। टैक्स कम करने से क्या होगा, टैक्स कम करने से बिजनेस बढ़ेगा, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, कम पैसा देना पड़ रहा है भाई, यहीं पे चलो काम करो। सपोज आप एक जगह है, आप एक हिमाचल में, सपोज आप हिमाचल में एक फार्मा कंपनी आप लगाते हैं, वहां पे गवर्नमेंट बोली आप मुझे ना यहाँ पे 40% 40% टैक्स दोगे, तो वहीं पे पहाड़ है तो इसलिए मैंने उसका एग्जाम्पल लिया। आपने फिर देखा असम गवर्नमेंट और सिक्किम गवर्नमेंट भी है, सिक्किम बोल रही है कि यहाँ पे आप फार्मा इंडस्ट्री लगाएंगे तो आपको 10% टैक्स देना है, तो टैक्स कम हो गया वहां पे, तो आप क्या बोले हाँ भाई ठीक है 40-40% टैक्स देंगे, चलो 10% में वहीं पे हो जाए तो वहीं पे कर दे, तो टैक्स रियायती मिलेगा। अगर टैक्स लिबरल हुआ वहां पे, गवर्नमेंट लिबरल की टैक्स के टैक्स को, तो आप वहां पे बिजनेस बढ़ाओगे, है ना, इसीलिए टैक्स रिफॉर्म किया गया। अब हम बात करते हैं, समझ गए, उम्मीद करता हूँ पूरा क्लियर समझ में आ रहा होगा। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज का रिफॉर्म क्या हो, इसका मतलब क्या होता है, हमारा जो करेंसी एक्सचेंज होता है फॉरेन के साथ उसमें क्या है, ठीक है। देखिए इसमें डी वैल्यूएशन किया जाता है। डी वैल्यूएशन का मतलब होता है किसी भी करेंसी का रेट कम कर देना। अभी बीच में एक न्यूज आया था कुछ समय पहले, चाइना ने अपना जो करेंसी उसको डीवैल्यू किया हुआ है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू डॉलर, ठीक है। तो हमारा जैसे अभी फिलहाल शायद 83 या 84 रुपीज शायद चल रहे होंगे, 82 पॉइंट समथिंग, तो एक डॉलर की कीमत मनी में। इसका मतलब क्या है, ये क्यों है, ये डीवैल्यूएशन क्यों किया गया, फॉरेन इनफ्लो बढ़ाने के लिए, फॉरेन करेंसी इनफ्लो बढ़ाने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक डॉलर 1 रुपया है, तो कोई कंपनी आएगी यहाँ पे 1,000 डॉलर, सपोज एक कंपनी एक 1,000 डॉलर की, तो उसको 1,000 रुपए देने पड़ेंगे, है कि नहीं। तो वही पे अगर एक डॉलर हमारे यहाँ पे 100 रुपए है, तो उस कंपनी को कितना डॉलर देना पड़ेगा, मात्र 10 डॉलर, ठीक है। तो वो क्या करेगा,
वही 1,000 रुपए में जो पहले देने में उसको संकोच होता था, अब उसी वो खुशी खुशी क्योंकि 1,000 रुपए हुआ, 1 लाख रुपए, तो वो काफी बड़ी बिजनेस लगा सकता है। ठीक है, अगर 1,000 रुपए की, $1,000 की बात करें, तो वो वहां पे यहाँ पे काफी बड़ा काम कर सकता है। तो इन्वेस्टमेंट क्वांटिटी बढ़ जाएगा, ठीक है ना, इसीलिए डिवेल्यूएशन किया जाता है। तो टू अट्रैक्ट फॉरेन करेंसी इनफ्लो या फिर FII, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो बढ़ाने के लिए डिवेल्यूएशन किया जाता है, समझ गए। चलिए, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ट्रेड का मतलब व्यापार है, इन्वेस्टमेंट का मतलब निवेश है, ठीक है। पॉलिसी मतलब जो हम प्लान बनाते हैं, रिफॉर्म मतलब पुनर फिर से बनाना, ठीक है। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इसमें क्या क्या गया, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिजाइम्स एज इनिशिएटेड टू इंक्रीज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ऑल्सो फॉरन इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी। देखिए, इसको हम थोड़ा बेहतर तरीके से समझते हैं। जब हम पहले क्या होता था ना, इंपोर्ट करने में जब कोई, अभी एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, टेस्ला इंडिया में अभी तक लॉन्च नहीं हुई। अगर आपको, आप अगर फॉलो करते हैं न्यूज़पेपर, आपको पता होगा इलॉन मस्क जो टेस्ला के ओनर हैं, वो कहते हैं कि इंडिया की ड्यूटी बहुत ज्यादा है, मतलब उसके टैक्सेस बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम वहां पर लॉन्च नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसी को कहते हैं ट्रेड पॉलिसी, ठीक है। ट्रेड में आप किसी भी कंपनी को इतना टैक्स मत ले लो कि वो यहाँ पे लॉन्च ही नहीं करे। तो पहले यही होता था, बिफोर 1991 लिबरलाइजेशन से पहले यही होता था, इतना टैक्स भरते थे कोई आता ही नहीं था, ठीक है, और इतने रूल्स रेगुलेशन थे, उसको कम करते गया, ठीक है। अब नहीं भाई, आपको टैक्स नहीं देना है, आप आओ यहाँ पे बेचो, जो प्रॉफिट होगा उसमें से थोड़ा दे देना, तुरंत आ जाएगी कंपनी, है कि नहीं। तो ये बढ़ जाएगा, और बढ़ने से क्या होगा, जब कोई नई प्रोडक्ट इंडिया मार्केट में आएगा, कम पैसे में बेहतर आएगा, तो इंडियन मार्केट में जो हमारे इंडस्ट्री है उसको स्टडी करेगी, देखेगी कैसे क्या कर रही है, क्या डेवलपमेंट है, तो हमें भी डेवलपमेंट का मौका मिलेगा, ठीक है। अब ये हो गया ट्रेड की बात, आप समझ गए। इन्वेस्टमेंट की बात अगर हम करें, कोई यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करेगा, जब कोई इन्वेस्टमेंट बंदा क्यों करता है, इन्वेस्टमेंट करता है ताकि प्रॉफिट के लिए थोड़ा पैसे मिले, तो बंदा यहाँ पे क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है। वो इसलिए इन्वेस्टमेंट कर, वो इन्वेस्टमेंट में अगर यहाँ पे उसको प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी बदली कि भैया आ जाओ इन्वेस्टमेंट करो और अपना प्रॉफिट लो। कैसे, एक इंडस्ट्री है, सपोज एक कोई एक इंडस्ट्री है, तो जैसे आप IOC ले लो, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ले लो, वहां पे गवर्नमेंट ने कहा आओ यहाँ पे इन्वेस्ट करो, जो प्रॉफिट बनेगा हम इसको बांटेंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, आप आ जाओ, ठीक है। तो ठीक है, तो वहां से एक सपोज एक्स कंपनी, टेस्ला ले लो, टेस्ला बोले ठीक है हम यहाँ पे 1,000 करोड़ रुपए जो है, 1,000 करोड़ रुपए जो है हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे और यहाँ से प्रॉफिट लेंगे, 10% प्रॉफिट लेंगे। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है आ जाओ, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, है ना। इस तरह से लिबरलाइजेशन में हुआ। इससे होगा क्या, अब देखिए, अब कोई फॉरेन कंपनी, जैसे टेस्ला है, सपोज एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, टेस्ला है, उसने IOCL में इन्वेस्ट किया, तो IOCL में जब इन्वेस्ट करेगा, जब बंदा वहां पार्टनर होगा, तो वो क्या चाहेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़े, क्योंकि उसको प्रॉफिट कमाना है। तो वो अमेरिकन कंपनी है, तो उसकी टेक्नोलॉजी हाई होगी, तो वो क्या बोलेगा, ठीक है भैया कोई बात नहीं, मैं इसकी मॉडर्नाइजेशन करता हूँ, नई नई टेक्नोलॉजी अमेरिका से लाता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ, तेल निकालेंगे और अच्छे से बेचेंगे, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन हुआ, एफिशिएंसी एडॉप्ट मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। तो इस तरह से बढ़ाएगा, इस तरह से हमें बाहर से इन्वेस्टमेंट भी मिलेगा, मॉडर्नाइजेशन भी होगा, ठीक है। ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द लिबरलाइजेशन, ठीक है, आसान कर दिया सब कुछ, तब हो रहा है, वरना ये नहीं हो पाता। डिसमेंटल्ड क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है, किसी भी जगह पे आप रिस्ट्रिक्शन लगा दो कि भैया आप इतना ही बेच सकते हो, इससे आगे नहीं, उसको क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। कुछ लिमिट में क्वांटिटी आप इंपोर्ट कर सकते हो, ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है, इसको हटा दिया। फॉर एन एग्जाम्पल, टेस्ला को आपने अलाउ किया कि भैया ठीक है आप आ जाओ, आप यहाँ पे व्यापार करो, बट आप 10 गाड़ी से ज्यादा नहीं बेच सकते, इसको कहेंगे क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन, एक क्वांटिटी तक आप बेच सकते हो, ठीक है। वो उसको हटा, वो पहले था, अब 1991 के बाद हटा दिया, कितना भी बेचो, अगर बंदे खरीद रहे हैं ना, आप 1,000 बेच लो, करोड़ बेच लो, ठीक है।
अब इम्पोर्ट लाइसेंसिंग, पहले क्या होता था ना, ट्रेड करने के लिए ना आपको इम्पोर्ट करने के लिए कोई सामान परमिशन लेना पड़ता था कि सर हम इतना ले लें, गवर्नमेंट बोले कि हाँ ले आओ, तब लाते थे। बट ऐसा नहीं है, अब ले आओ, जो अभी हमने खुला मार्केट छोड़ा, अब ले आओ, लाइसेंस की जरूरत नहीं है। पर ध्यान रखना कि अल्कोहल वगैरह ये सब गलत चीज ना लाओ, ठीक है। और एक्सपोर्ट ड्यूटी, हमारे इंडिया में जो एक्सपोर्ट होता था, ये तो इम्पोर्ट की बात ठीक है हो गया, अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं, क्लीन कर देते हैं। अब बात अगर हम करें एक्सपोर्ट ड्यूटी, जो इंडिया में ना कुछ बिजनेस जैसे टाटा है, टाटा एक बड़े लेवल पे व्यापार करते हैं, टाटा बोलेंगे कि मैं यहाँ से सामान बना के, लोहा बना के मैं बेचूंगा, सरिया लेके बेचूंगा यूएस में। आप बोलोगे अच्छा, आप यूएस में ज्यादा प्रॉफिट करोगे, ठीक है, हम ना 10% से ज्यादा 40% ले लेंगे, तो वो क्यों बेचेगा, वो क्यों बाहर जाएगा, है कि नहीं। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर ज्यादा होगी तो वो जाएंगे ही नहीं, कोई कोई बंदा क्यों इतना मेहनत करेगा यार। सपोज वहां पे उन्होंने 100 रुपए का बेचा, 40% तो आपको दे देगा, या 50-60% आपको दे देगा, जो अगर आप हैवी ड्यूटी लगा दोगे तो वो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने 1991 के बाद जो रिफॉर्म किया, उसमें उन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दिया या फिर बहुत मिनिमल कर दिया। अब कोई बंदा है वहां पे 100 रुपए की, एक टाटा है, उन्होंने एक सरिया बेचा वहां पे 500 रुपए का, और आपने कहा ठीक है अब 500 रुपये बेच रहे हो ना, कोई बात नहीं 50 रुपये दे देना, तो ठीक है भैया ले लो, तो वो 500 थोड़े बेचेंगे, वो बोलेंगे कि भैया वैसे ही मुझे कम पैसे पड़ रहे हैं, एक काम करो आप वहां में ना 50,000 बेच दो, 500 रुपये दे देना, क्या दिक्कत है, ठीक है। इस तरह से हमारी ट्रेड पॉलिसी भी रिफॉर्म हुई और हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ा, ठीक है, समझ गए। लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का सिंपल मतलब है जितने भी रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे उसको सबको हटाना या फिर नॉर्मलाइज करना, मिनिमल करना, ठीक है, समझ गए लिबरलाइजेशन। चलिए बात हम करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की, जो प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, जो आजकल खूब चर्चे में है। अभी सब लोग कहते हैं, पब्लिक में आप सुन रहे हैं, अरे मोदी जी या फिर हमारे गवर्नमेंट तो सब कुछ प्राइवेट कर रही है, BSNL बिक गया, MTNL बिक गया, सब कुछ बिक गया, सारी गवर्नमेंट एंटिटी ये लोग बेच देंगे, नवरत्न खत्म कर देंगे, महारत्न खत्म कर देंगे, सब कुछ ये सब बेच देंगे। क्यों बेच रहे हैं, निजीकरण क्यों हो रहा है, ठीक है, इस सबको जानना पड़ेगा, ऐसे ही हम बकवास नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की। प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या है, हमारी गवर्नमेंट ना सब कुछ अपने कंट्रोल में रखी हुई थी, किसी भी इंसान को किसी भी कंपनी को कुछ नहीं देती थी, बट अब उन्होंने क्या किया, प्राइवेटाइज किया। क्यों प्राइवेटाइज किया, प्राइवेटाइज करने से क्या होगा, ठीक है, इट इंप्लाइज सेटिंग द ओनरशिप ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज, मतलब अपनी जो कंपनीज की 100% ओनरशिप रखी हुई थी, अब उन्होंने कहा ठीक है प्राइवेट कंपनीज जो है वो आए हमसे थोड़ा शेयर लें, काम करें, ठीक है। और ये कैसे होता है, दो तरह से होता है, या तो गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप हटा ले कि भैया हम इसको छोड़ रहे हैं, कोई भी लोग चला लो, है ना, और दूसरी चीज होता है सेलिंग, गवर्नमेंट बोले भैया हम, जैसे MTNL है खत्म हो गया, MTNL को बोले हम MTNL बेच रहे हैं, ठीक है, किसको खरीदना है आ जाओ, बिट लगेगा उसमें, ठीक है, जिस जो ज्यादा पैसा देगा वो ले लेगा, ठीक है। तो इस तरह से गवर्नमेंट एंटिटी प्राइवेटाइज होती है, ठीक है। डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है सेलिंग पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी टू द पीएसई, देखो जो गवर्नमेंट सेक्टर की जो कंपनी है उसके कुछ शेयर्स, कुछ हद तक एक शेयर किसी प्राइवेट कंपनी को बेचना, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये इस चीज को यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है, पहला। दूसरा है डिस इन्वेस्ट का मतलब है एक 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 पार्ट बेचना, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द एंटिटी ऑफ पीएसई टू द पब्लिक नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है इस प्राइवेटाइजेशन की जरूरत क्या है, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं चला सकती, देखिए गवर्नमेंट के पास इतना एफिशिएंट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होता जितना प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर में होता है, वो इतना पैसा भी नहीं होता कि वो इन्वेस्ट कर सके, जैसे कि हमने देखा है ना, प्राइवेट कैपिटल और मैनेजरियल कैपेबिलिटी वुड इफेक्टिवली यूटिलाइज एंड टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द पीएसयू। पीएसयू गवर्नमेंट सेक्टर काम नहीं करते, हम बोलते ना गवर्नमेंट सेक्टर काम नहीं कर रहे, क्यों, जैसे BSNL, समझते हैं BSNL का नेटवर्क अच्छा नहीं है, क्यों नहीं अच्छा है, अब BSNL भी एक कम्युनिकेशन कंपनी है, जियो भी एक कम्युनिकेशन कंपनी है, दोनों में क्या डिफरेंस है, अकाउंटेबिलिटी के डिफरेंस है, लोग काम नहीं करते ढंग से, प्राइवेट कंपनी में लोग काम करेंगे एक डर रहता है, गवर्नमेंट में नहीं रहता, इसको मैनेजरियल स्किल कहते हैं, है ना,
और इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट बोले कि मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, मैं स्पेक्ट्रम नहीं खरीद सकता, मैं जो है ना जो सी ब्रॉडबैंड है वो नहीं डाल सकता, फाइबर बैंड, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन को क्या है, मुझे सर्विस अच्छा देना है, कस्टमर एक्विजिशन करना है, तो वो इन्वेस्टमेंट करेगी, है ना। इसी तरह से अगर ये गवर्नमेंट कंपनी है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, गवर्नमेंट उसको चला नहीं पा रही ढंग से ड्यू टू द लैक ऑफ कैपिटल हो, मैनेजरियल स्किल हो, जो भी है, तो प्राइवेट कंपनी बोले कि चलो ठीक है, एक काम करो मुझे थोड़ा सा शेयर दे दो, मैं इसको चलाता हूँ अच्छे से, मतलब एकदम फुल कैपेसिटी से, ठीक है ले लो, इसी को प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल बताते हैं, इंडियन रेलवे में आपने सुना होगा शायद मुंबई टू लखनऊ एक नया ट्रेन चला था, जिसको शायद रिलायंस ने, प्राइवेट कंपनी ने मतलब लिया था उसका कुछ साल के लिए, लीज लिया था। तो गवर्नमेंट को क्या है, गवर्नमेंट ने क्या क्या क्यों किया, देखिए वो लॉस में चल रही थी, अब उसको रिवाइव करने के लिए फंड चाहिए, वो नहीं हो सकता, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, चलिए और सर्विस भी अच्छा देना था, तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है अब ये वाला रूट जो रेलवे है अब इतने साल के लिए ले लो, आप चलाओ इसको, डेवलप करो इसको, एनहांस करो इसकी फैसिलिटी, बढ़ाओ सब कुछ करो, और इतना जो है आपका जो प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट बनाओगे तो उसमें से इतना परसेंट हमें दे देना। तो गवर्नमेंट को फायदा भी हुआ, प्रॉफिट भी हुआ, और डेवलपमेंट भी हुआ, टेक्नोलॉजी हाई हुई, मॉडर्नाइज हुआ, सब कुछ हो गया, ठीक है। इसी तरह से जरूरी नहीं कि देश के अंदर से ही कोई करे, हो सकता है कोई फॉरेन एंटिटी बोले कि हम आपका ये वाला सेक्टर टेक ऑफ करते हैं, इसको हम चलाएंगे अच्छे से, ठीक है चलाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको बोलते हैं इनफ्लो ऑफ एफडीआई, फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है, नवरत्न होता है, ठीक है। ये क्या है, गवर्नमेंट के ना कुछ एंटिटीज होते हैं जो उसके जीडीपी में, ग्रॉस डेवलपमेंटल जो अपना जो कंप्लीट जीडीपी का मतलब होता है, हम इकोनॉमी को उसमें नापते हैं, ठीक है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो जीडीपी जो है उसमें जो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन कुछ कंपनीज करती हैं, जिसको हमने कई चीजों में महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न में बांट रखा है। महारत्न में जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आ गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया आ गया, लिमिटेड आ गया, नवरत्न में आपके हिंदुस्तान एरोनॉटिक, इस तरह से हमारे जो पब्लिक सेक्टर के जो कंपनीज हैं जो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट में और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करती है, उसको हमने कैटेगराइजेशन में बांट रखा है, ठीक है। वो इसी जो टेप बॉक्स के अंदर इसको बताया गया है, उम्मीद करता हूँ प्राइवेटाइजेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, ग्लोबलाइजेशन की इस टर्म से ही आप समझ सकते हैं, ग्लोबल मतलब होता है विश्व में, लाइजेशन मतलब मिल जाना, ठीक है, विश्व स्तरीय कोई भी चीज को वर्ल्ड लेवल पे लेके जाना ग्लोबलाइजेशन कहता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये डिसाइड किया कि अब अपने कारोबार को अपने देश के अंदर से उठा के पूरे वर्ल्ड लेवल पे विश्व स्तरीय बनाएंगे, तो इससे क्या होगा, मार्केट कैपेसिटी बढ़ जाएगी आपकी, मार्केट में आपको दायरा बड़ा मिलेगा, तो आप बहुत ज्यादा व्यापार कर सकते हो, और सारे देश के अलग अलग देश के लोग आएंगे यहाँ पे, इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे, अपना सामान बेचेंगे, तो कारोबार बढ़ जाएगा, है ना। अगर एक व्यापारी है सिर्फ अपने गांव में बेचता है, वो हो सकता है दिन में 10 कपड़े बेचे, अगर उसी को बोले नहीं भाई पूरे इंडिया में बेच, तो वो हो सकता है बहुत सारा, कितना कुछ बेच लेगा, है ना, दायरा बढ़ जाएगा। इसी को कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद द वर्ल्ड, ठीक है, एक विश्व स्तरीय व्यापार करना, ट्रांसलेटिंग इकोनॉमी सोशल एंड ज्योग्राफिकल बाउंड्री, उसको ज्योग्राफिकल बाउंड्री कुछ है ही नहीं, पूरा विश्व है आपका, जाओ कोई बाउंड्री नहीं कुछ नहीं, ठीक है। तो इट इज टर्निंग द वर्ल्ड इनटू द होल, क्रिएटिंग बॉर्डरलेस वर्ल्ड, ठीक है। तो समझ गए ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, एक सिंपल वर्ड में पूरे विश्व में आप व्यापार कर सकते हो, कोई रोक टोक कुछ नहीं, ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं कि आप ही जाए कर सकते हो, तो आपके यहाँ पे भी इंडिया में भी कोई भी कहीं से भी आके व्यापार कर सकता है, ठीक है। और वैसे लिबरलाइजेशन में हमने सारा कुछ खत्म कर दिया रेस्ट्रिक्शंस वगैरह, प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट कंपनीज भी इन्वॉल्व हो गई, इंडिया की भी और बाहर की भी, ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड लेवल पे ले गए हम लोग, ठीक है, समझ गए ग्लोबलाइजेशन। चलिए यहाँ पे एक टर्म आता है आउटसोर्सिंग, जब कोई चीज ग्लोबलाइज होता है ना, तो आउटसोर्सिंग का पहले मतलब बताया था, आउटसोर्सिंग का मतलब है किसी भी वर्कफोर्स को हायर करना अपने काम के लिए विदाउट हैविंग रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि एक होता है, आप एक कंपनी चला रहे हो, आपको एक वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए एक डिपार्टमेंट चाहिए, तो आप
ये करोगे, या तो आप अपना खुद से एक सिस्टम बनाओ वेस्ट मैनेजमेंट का, या फिर आप एक किसी थर्ड पार्टी को हायर करो कि भाई मेरा ये काम है और तुम्हें देखना है। बोलेगा ठीक है मुझे इतना पैसा लेना है और ये करना है, कर दूंगा मैं। तो आप उसको हायर कर लो, उसको एम्प्लॉयमेंट भी नहीं किया आपने, आपको कोई वो नहीं है, आपने एक उठाया एक कंपनी को, उसको दे दिया मेरा वेस्ट मैनेजमेंट कर। दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग, बाहर से किसको लेना और अपना काम कराना। ठीक है, इसमें अपना हम लिखा एक्सटर्नल सोर्स से हम लोग काम कराते हैं, मोस्टली फ्रॉम द अदर कंट्रीज। देखिए अभी इस पे हम आते हैं, ये किस तरह से ग्लोबलाइजेशन में हेल्प करता है आउटसोर्सिंग। तो इससे क्या हुआ, जब आउटसोर्सिंग मॉडल बढ़ गया, इससे क्या हुआ, कुछ सेक्टर में बूम हुआ। जैसे यूएस है, वहां पे आईटी प्रोफेशन बूम हुआ, तो उसको आईटी प्रोफेशनल चाहिए। तो अगर वो वहां से आईटी प्रोफेशनल लेता है, सपोज उसको 100 रुपए देना पड़ता है उसको सैलरी, बट वहीं से अगर वो इंडिया से कोई प्रोफेशनल लेता है तो उसको 50 रुपए देना पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप इंडिया से उठाओ, आउटसोर्स करो, वहां से एम्प्लॉइज उठाओ। ठीक है, बैंक में है, कोडिंग में है, ठीक है, इस सब में आउटसोर्सिंग बहुत ज्यादा काम करने लगा ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन। पहले आप बाहर काम नहीं कर सकते थे, अब आप काम कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या है, इंडस्ट्री ने देखा हमें कम पैसे में कहाँ ज्यादा लेबर मिल रहा है, तो वहां से आउटसोर्स को लो, उठा लो, वहां पे एक पकड़ो कि भाई मुझे, जैसे दुबई में हमारे यहाँ से काफी लोग जाते हैं, तो एक कोई कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो क्या करता है, यहाँ से उठाता है लेबर फोर्स, वहां पे ले काम कराता है ना। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाता है अच्छा खासा, और उनको लेबर भी कम पैसे में मिल जाता है। ठीक है, ये होता है आउटसोर्सिंग, और ये होता है आउटसोर्सिंग के कारण पूरे वर्ल्ड में इंटरकनेक्शन हो गया। कुछ इंडस्ट्री इसमें काफी बूम की, जैसे कि आईटी इंडस्ट्री है, बीपीओ है, कॉल सेंटर वाला इंडस्ट्री है, वर्चुअल कॉल सेंटर। इसमें क्या है, आप सपोज एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कई सारे आपने सुना होगा महिंद्रा, बीपीओ, टीसीएस काम करता है इसमें। ठीक है, बाहर की कंपनीज को ऑफिस बना के कहीं बैठने की जरूरत नहीं है, उसने हायर कर लिया, इंडिया में भी लोग बैठ के बाहर कंपनी के लिए काम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, वर्ल्ड मतलब विश्व, ट्रेड का मतलब है व्यापार, ऑर्गेनाइजेशन मतलब है संगठन। विश्व में जितने भी व्यापार होते हैं उसको देख रेख करना, उसकी निगरानी रखना, ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम। सिंपल सी बात है, पहले इसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जीएटी, जीएटीटी, गैट। ठीक है, पहले गैट था, फिर अब क्या बन गया, डब्ल्यूटीओ। ठीक है, ये देखिए बहुत ज्यादा ना आपको मतलब चीजों को कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल रखिए। मैं कहता हूं ना मैक्सिमम चीजें ना आप सिर्फ उस टर्मिनोलॉजी को अगर गौर से देखेंगे और पढ़ेंगे और उसको डिवाइड करेंगे ना, वो समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए इसकी जिस टर्म सिर्फ इसके नाम में ही है, डब्ल्यूटीओ। हो जाए डब्ल्यूटीओ ना पता हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपको अगर बोला जाए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मतलब विश्व, ट्रेड मतलब व्यापार, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संस्था। इसका मतलब क्या है, वहां पे व्यापार थोड़ी होता है, वो एक संस्था है जो कि दुनिया में जितनी ट्रेड हो रही है उसको निगरानी करती है ना, उस पे ध्यान रखती है, और उस पे जो टैरिफ लगते हैं उसको कंट्रोल करती है, कहाँ ज्यादा लगाना है, कहाँ कम लगाना है, वगैरह वगैरह, है ना। वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट सब कुछ देखती है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, देखिए ऑर्गेनाइजेशन हो गया, अब जबरदस्ती आप किसी पे तो लाद नहीं सकते, है ना। वहां पे देश जो है, कंट्रीज अपनी मेंबरशिप लेती है कि हाँ ठीक है, हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो बनाए जाते हैं रूल्स हम उसको फॉलो करेंगे, और हम भी आपके यहाँ व्यापार करेंगे, आप भी हमारे यहाँ व्यापार करिए, है ना। तो इसमें मेंबर्स होते हैं सारे कंट्रीज, ठीक है, करीब सारे हैं, है ना। तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में बनाया गया था इसके लिए, ताकि सबको सहूलियत मिले, ठीक है, एक स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेशन हो इस, ठीक है, एसओपी, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर एक हो जिसको सब लोग फॉलो करें, किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसका ध्यान रखता है डब्ल्यूटीओ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, बात क्या है? हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल है, आप देखिए ग्रोथ ऑफ जीडीपी ऑफ मेजर इन परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पे ईयर देगा, 1991 में हमने अडॉप्ट किया, उसके बाद हमारा जीडीपी कितना बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, है ना, आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और रिफॉर्म भी आप कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये बात करेंगे यहाँ पे,
अभी हमने देख लिया किस तरह से सब कुछ काम किया, सब कुछ कैसे आउटसोर्सिंग वगैरह सब कुछ हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं, एक रिव्यू करते हैं, एक असेसमेंट लेते हैं कि ये सब करने से हुआ क्या। लिबरलाइजेशन कर लिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, ग्लोबलाइजेशन कर दिया, इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ, हमारा जीडीपी बढ़ा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा, ठीक है, एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर हुआ इंडिया, ठीक है, ये सब चीजें बढ़ी। इंजीनियरिंग गुड्स वगैरह हम लोग सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, अभी भी करते हैं, है ना, ऑटोमोबाइल पार्ट्स ये सब करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे बढ़ने लगे, तो सब कुछ एक ग्रोथ हुआ, और ये ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हुआ, ठीक है, काफी अच्छे लेवल पे हुआ। अभी यहाँ पे देखिए क्या हुआ, अभी इसको आगे करते हैं। देखिए हर चीज का क्या है, हर चीज का एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलप एम्प्लॉयमेंट पे इसका क्या इम्पैक्ट है, स्कॉलर्स जो इकोनॉमिस्ट हैं वो लोग बताते हैं कि पॉइंट आउट दैट रिफॉर्म लेड ग्रोथ बट हैज नॉट जनरेटेड सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन कंट्री। रिफॉर्म से ग्रोथ हुआ नो डाउट, बट एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पाया, ठीक है। क्यों नहीं हो पाया, इसका रीजन क्या है, ठीक है। देखिए क्या हुआ, अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म तो हुआ, डेवलपमेंट तो हुआ, ग्रोथ तो हुआ, बट बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ उस सेक्टर में, है कि नहीं। पब्लिक इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो गया, जैसे जैसे इरिगेशन है, वाटर सप्लाई है, इन सब में आप इन्वेस्ट करोगे तभी तो एग्रीकल्चर बढ़ेगा। आप सिर्फ बोलोगे एग्रीकल्चर बढ़ाओ एग्रीकल्चर बढ़ाओ, हम पैसे दे रहे हैं आप खेती करो, कैसे होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी तो इन्वॉल्व डेवलपमेंट करो, तो डेवलपमेंट वहां पे नहीं हुआ। कहने का मतलब है ग्रोथ हुआ बट उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। पब्लिक इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर में देखे, फॉर रिफॉर्म नॉट एबल टू बेनिफिट एग्रीकल्चर मोर, एग्रीकल्चर को इतना रिफॉर्म नहीं हुआ जितना इंडस्ट्रियल सेक्टर को हुआ, ठीक है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कम हो गया, रिफॉर्म इन इंडस्ट्री, ठीक है। तो एग्रीकल्चर अभी हम देख रहे हैं कि अभी यहां पे हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो रिफॉर्म हमने किया अलग अलग सेक्टर में क्या इंपैक्ट पड़ा, ठीक है, वो हम देख रहे हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना ज्यादा बहुत ज्यादा इंपैक्ट ग्रोथ हुआ बट इतना नहीं। अब अभी अगर हम अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें, स्लो डाउन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी काफी स्लो डाउन हुआ, ठीक है। क्यों स्लो डाउन हुआ, चीपर इंपोर्ट एंड लो इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी क्या है, एक एग्जांपल बताते हैं यहाँ पे क्यों स्लो डाउन हो गया इंडस्ट्रियल ग्रोथ। हमने लिबरलाइज कर दिया सब कुछ, बाहर से ग्लोबलाइजेशन कर दिया, बाहर की कंपनी यहाँ पे आ गई। एग्जाम्पल सपोज आपने एक सामान, एक सपोज आप एक ये चेयर है, ये चेयर हम इंडिया में 100 रुपए का बेचते थे, ठीक है, बाहर से कोई कंपनी आई इसको 10 रुपए बेची, ठीक है, ग्रोथ तो हुआ सब कुछ तो हुआ बट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ, ठप हो गया, डिक्सिलरेट हो गया ड्यू टू द हेवी इंपोर्ट्स, है ना। और क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट, अब अगर ऐसा हो रहा है तो हमको क्या करना चाहिए, हमको कंपनी में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा के प्रोडक्शन हाई करना चाहिए, प्राइस रिड्यूस करना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है। कोई कंपनी जब अपनी प्रोडक्ट यहाँ पे बेचेगी तो आपकी कंपनी क्यों बनाएगी, आपको आपको डेवलप क्यों करेगी, उसका तो लॉस हो जाएगा ना, और गवर्नमेंट वो कर नहीं सकती क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, ठीक है। इस तरह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी कम हो गया, ठीक है, यही वही पिछले वाला यहाँ पे डबल थोड़ा फिर से हो गया, ठीक है। तो वही चीज है जो पिछले मैंने बताया, ग्लोबलाइजेशन रिड्यूस्ड डिमांड ऑफ डोमेस्टिक गुड। अब देखिए ग्लोबलाइजेशन जब हो गया, जब विश्व भर की चीजें सस्ते में मिलने लगे तो घर की चीज को क्यों कोई पूछेगा, ठीक है। एग्जाम्पल बताता हूँ, एक फनी एग्जाम्पल है, अगर आपके पूरी पूरे आसपास में सिर्फ दाल बनती है, यहाँ पे सिर्फ वेजिटेरियन खाना मिलता है, तो आप वही खा रहे हो, चाहे 5 रुपए हो, 10 रुपए हो, 100 रुपए हो, सब लोग वही बेच रहे हैं, वही खा रहे हो, घर पे भी वही बन रहा है। तभी अचानक से ऐसा हुआ कि बाहर से कुछ लोग चिकन तंदूरी वगैरह सब कुछ बनाने लगे, और वो भी सस्ते में, है ना, वो भी सस्ते में। अभी आप दाल और रोटी खा रहे थे सपोज 100 रुपए, वो चिकन तंदूरी वगैरह सब कुछ दे रहे हैं, बोलेगा कि भाई 80 रुपए, तो ऑब्वियसली बात है वो लोग ज्यादा खाएंगे, है कि नहीं। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की डिमांड भी कम हो जाएगी, और हो भी गई ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्रिएटेड एडवर्स इफेक्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज, क्रिएटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसमें क्या हुआ,
जो अपनी अपना यहां पे तो कम हुआ, पर ग्लोबलाइजेशन से किसको फायदा हुआ? डेवलप्ड कंट्रीज को, क्योंकि उनके यहां उनको बड़ा मार्केट मिल गया जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, सारा सामान यहां बेचेंगे और अपन वहां पे आधी चीज तो लेके नहीं जा सकते, टैरिफ ज्यादा हो जाएगा, या फिर पहुंच ही नहीं सकते, या फिर अपने पास उतना प्रोडक्ट नहीं है, कई सारे रीजंस की वजह से अपन वहां तो पहुंच ही नहीं सकते। तो ग्लोबलाइजेशन देखा जाए हमें ही भारी पड़ गया, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए अच्छा है क्योंकि उनको मार्केट बड़ा मिल गया, हमारे पास मार्केट बड़ा होते हुए भी हम नहीं पहुंच सके, हमारे यहाँ तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है ना। जो सामान वहां से यहाँ से लोग खरीदते थे वो बाहर का सामान खरीदेंगे चीपर रेट में, तो यहाँ से कौन खरीदेगा, क्यों खरीदेगा? ठीक है, डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सेलिंग ऑफ द शेयर ऑफ द गवर्नमेंट एंटिटी स्कॉलर सेड इट्स अंडर वैल्यूड। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि जो हमारे गवर्नमेंट एंटिटीज जो हम लोग बेच देते प्राइवेटाइज कर रहे हैं कम पैसे में, है ना, तो कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि अंडर वैल्यूड है, इसकी वैल्यू और ज्यादा होनी चाहिए थी, है कि नहीं। फिस्कल पॉलिसी में क्या हुआ हमारे यहाँ पे, फिस्कल पॉलिसी में क्या रिफॉर्म हुआ था, क्या इफेक्ट हुआ हमें? लिमिट द पब्लिक एक्सपेंडिचर स्पेशली सोशल सेक्टर, रिड्यूस टैक्स कलेक्शन फॉर द गवर्नमेंट, टैरिफ रिडक्शन कर्टल्स स्कोप रेवेन्यू फ्रॉम द ये, ठीक है। तो ये क्या हुआ, फिस्कल पॉलिसी में हमने ये देखा गवर्नमेंट ने अपने टैक्सेस कम कर दिए, तो गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिलना चाहिए था वो भी कम हो गया। अगर गवर्नमेंट को रेवेन्यू कम मिलेगा तो खर्चा भी कम करेगा पब्लिक सेक्टर सोशल एक्सपेंडिचर के लिए, जैसे कि अगर किस पैसा नहीं होता रास्ते नहीं बनेंगे, सोशल रिफॉर्म्स नहीं होंगे, सोशल मतलब लोगों के अच्छाई के लिए जो काम किया जाता था वो भी नहीं होगा, वो लिमिटेड हो गया क्योंकि टैक्स ही कम मिल रहा है। इवन जो कस्टम्स चार्जेस है वो भी कम कर दिया ड्यू टू द मर्चेंट ट्रेड, ठीक है। ऑल डन टू अट्रैक्ट, ये सब क्यों किया गया, ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़े, बाहर से लोग आए यहाँ पर ट्रेड करें, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक्स हमने देखा है कि ये सब करने से फायदा तो हमें हुआ, बट इसके अंदर कुछ छुपी हुई ड्रॉबैक्स भी हमारे लिए था जो डेवलप्ड कंट्रीज के लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे एक बॉक्स में देखिए सिरिसिला ट्रेजेडी है, ये क्या है? सिरिसिला ट्रेजेडी में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश में ना, आंध्र प्रदेश में क्या हुआ था एक बार कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया, ठीक है। वहां पे पावर लूम्स जो काम करते हैं वहां पे, वो सारा कुछ इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करता है, अगर वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दिया जाएगा तो क्या होगा, काम नहीं हो पाएगा, ठप हो जाएगा, अगर काम नहीं होगा तो डेली वेज भी नहीं मिलेगा, तो लोग खाएंगे क्या पिएंगे क्या, वो डेली वेजर्स हैं, डेली मजदूर हैं। ड्यू टू द हाई टैरिफ ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, एक बार इलेक्ट्रिसिटी काफी दिन के लिए बंद हो गया और 50 पावर लूम वर्कर्स जो है एक साथ सुसाइड कर लिए थे, तो ये ट्रेजेडी काफी फेमस हुआ था, ये आंध्र प्रदेश में होता है, सिरिसिला जो है एक जगह है, छोटी सी गांव है, ठीक है। अब यहाँ पे इतना सब कुछ पढ़ने के बाद हमें कंक्लूजन क्या निकला, प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन रिलेशन एंड प्राइवेटाइजेशन हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स फॉर इंडिया एंड अदर कंट्रीज टू, ठीक है। हमने पहले देखा क्या बेनिफिट्स थे, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखे, फिर हमने देखा कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या थे। अब हम कंक्लूजन पे ये पहुंचे कि जो हमने रिफॉर्म किया इकोनॉमिक पॉलिसी में उसके दो तरह के इफेक्ट्स थे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, बट अगर यहाँ पे आपको पूछा जाए कि क्रिटिकली एनालाइज एट थ्रेडिंग में, तो मुझे लगता है कि इसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू नेगेटिव एस्पेक्ट, क्योंकि हम डेवलपिंग हैं, तो हमें लगता है कि इस समय पे 1991 की बात कर रहा हूँ, इस समय पे हमें लगता है कि हम क्योंकि हम डेवलपिंग हैं तो हम इतना वो नहीं कर पा रहे हैं, आगे चल के जब हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी, हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, तो हमें काफी अच्छा एक लिवरेज मिलेगा, एक अच्छा मार्केट मिलेगा, पूरा ग्लोबल मिलेगा, इसमें हम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर, ये क्वेश्चन आंसर है, इसको गो थ्रू करिएगा ताकि आप इसी को कर जब आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे माइंड में ही कर लीजिए, तो काफी चीजें आपको रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। मेरा नाम है डॉक्टर सुब्रत और मैं आपका इकोनॉमी फिलहाल खत्म कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग माइक्रो इकोनॉमी पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, इसमें टर्मिनोलॉजी वगैरह सब कुछ आता है, जीडीपी जीएनपी जीवी ये सब कुछ, फिर उसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड बुक में जाएंगे, ठीक है।
तो बने रहिए मेरे साथ और अपने नॉलेज को एनहांस करते रहिए। बेसिकली ये लेक्चर्स हम सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स को मद्दे रखते हुए मैं कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है, अगर कोई नॉलेज अपना एनहांस करने के लिए जानना चाहते हैं ज़रूर से पढ़े, और अपने बच्चों को 11th 12th स्टैंडर्ड को उसको भी ये दिखाइए ताकि उनको भी समझ में आए। शेयर कर लीजिए जिसको जिसको जिनको भी ज़रूरत है आपको लगता है, और बने रहिए हमारे साथ, हम इसी तरह से आपको एजुकेट करते रहेंगे। और ऑल द बेस्ट फॉर आवर एग्जाम, बी कनेक्टेड। अगर अच्छा लगता है शेयर करिए, एक लाइक करिए, और इसी तरह से वीडियो को टाइम पे आपको पास पहुंचते रहे आप उसको सब्सक्राइब करिए, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बी हेल्दी।